हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जहां हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिसिल म्यूचुअल फंड रैंकिंग और उसके यूसेज के बारे में कि एक क्रिसिल पहले सबसे पहले क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये रैंकिंग कैसे देता है म्यूचुअल फंड्स को, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले ये बता दो, इंपॉर्टेंट किसके लिए है? अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट जो आपका आता है या फिर फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो सब्जेक्ट है, अगर वो आपके एग्जाम में या ये कह लीजिए आपके सिलेबस में कवर किया गया है, तो वहां पे आपका जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले एक और चीज आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रिसिल है क्या? देखिए, जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं, अगर बहुत ही आम भाषा में बात करें तो मूवी देखने जाने से पहले आप उसके रिव्यूज चेक करते हैं। अब वो रिव्यूज देने वाली अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग आपकी जो है न्यूज एजेंसीज होती हैं जो कि उस मूवी को रिव्यू करती है। वो खुद जाकर के पहले उसको देखती है, उसके बारे में जो है डिटेलिंग आपको जो भी डिटेल होता है उसको स्टार्स में कन्वर्ट करके दिखा देती है, रैंकिंग में कन्वर्ट करके दिखा देती है कि इसको हम 4 स्टार देंगे, 5 स्टार देंगे, 6 स्टार देंगे। तो कई बार आपने देखा होगा जब किसी मूवी की आपको जो है एक एडवर्टीजमेंट दिखती है कि नियर योर थिएटर्स, तो वहां पे वो रैंकिंग भी शो करते हैं कि 4.5 रैंकिंग, इतना रैंकिंग, उतना रैंकिंग। ये क्यों की जाती है? वो आपको बताने के लिए की जाती है कि देखो हमारी जो है हमारी मूवी को इस पर्टिकुलर एजेंसी ने या इस पर्टिकुलर कंपनी ने या इस पर्टिकुलर एड न्यूज़ एजेंसी ने जो है इतनी रैंकिंग दी है। जितनी ज़्यादा रैंकिंग होती है उतना ज़्यादा आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, आप उसको देखने जा सकते हैं, लोगों को पसंद आ रही है। तो रैंकिंग की जाती है मूवीज़ की। उसी तरीके से बात आती है जब इन्वेस्टमेंट की, तो म्यूचुअल फंड आजकल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे काम होने लग गया है। पहले नहीं इतना था या लोग भी इतना नहीं जानते थे, पर आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट का सिनारियो चेंज हुआ है। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। खासकर आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये चीज़ समझ गई है कि इन्वेस्टमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी जहाँ पर आप पैसा डालने जा रहे हैं, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालने जा रहे हैं उसकी कितनी रैंकिंग है, उसमें उसको कितना रैंकिंग किया दिया गया है ये देखा जाता है। और उसको रैंकिंग कौन देता है? क्रिसिल। क्रिसिल एक एजेंसी है जो कि म्यूचुअल फंड्स को रैंक करती है ऑन द मेनी एक तरीके से जो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स नहीं एक कह सकते हैं, अलग अलग स्तर पे वो कैसा परफॉर्म किया, उसने कैसे आपकी जो है क्वालिटी को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के, उसकी रिटर्न को लेकर के, उस स्तर पे उसको जो है रैंकिंग दी जाती है, उसको स्टार्स दिए जाते हैं। तो क्रिसिल क्या है? एजेंसी है, कुछ नहीं। क्रिसिल इज़ जस्ट एन एजेंसी जो कि रैंक आपकी म्यूचुअल फंड को रैंकिंग देती है, उनको स्टार्स देती है, उनको जो है दिखाती है कि कौन सी बेटर है, कौन सा नहीं है। तो क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट, ठीक है, जो उसका क्रेडिट है उसकी रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक ग्लोबल एनालिटिकल कंपनी है, ग्लोबली ये एनालिसिस करती है, प्रोवाइडिंग रेटिंग रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विस टू द वेरियस कंपनीज। ठीक है, क्या करती है? अदर वेरियस कंपनीज को एनालिटिकल उनकी जो है रेटिंग रिसर्च करती है, उनका रिस्क को देखती है, उनको पॉलिसी के एडवाइजेस देती है और ये सारी सर्विसेज वो देती है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द लेंडर, बोरोवर, रेगुलेटर्स, इंटरमीडियरीज एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट शेप पॉलिसी एंड एस्टैब्लिश वेरिएबल फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द रिस्क प्रोफाइल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब क्या करती हैं दूसरी कंपनीज, उनको पता चल जाता है कि भाई हाँ हमारा जो है यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, तो ये लेंडर्स को, बोरोवर्स को, रेगुलेटर्स को, इंटरमीडियरीज को हेल्प करती है ताकि वो पॉलिसीज शेप कर सके। क्रिसिल म्यूचुअल फंड रैंकिंग इज द रिलेटिवली रैंकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स विद इन अ पीयर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिसिल म्यूचुअल फंड जो रैंकिंग होती है वो एक पीयर ग्रुप रैंकिंग की जाती है। वो टॉप एक तरीके से देख लीजिए 10 कंपनीज उठा लेते हैं या टॉप ऐसी कंपनीज जो कि उनकी रैंकिंग के मुताबिक टॉप पे आई है, उनको एक पीयर ग्रुप बना दिया जाता है कि भाई ये बेटर हमारे अकॉर्डिंग, ये सबसे बेटर हमारी जो है म्यूचुअल फंड अभी चल रही है इंडिया में। हमारी मतलब वो क्रिसिल की नहीं होती, अदर कंपनीज की होती है, अदर कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको वो रैंक
रैंकिंग देकर के एक पीयर ग्रुप बना देते हैं. द बेसिक क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द रैंकिंग यूनिवर्स आर 3 ईयर एनएवी हिस्ट्री, 1 ईयर फॉर. अब यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया क्या है, अगर आप रैंकिंग यूनिवर्स में आना चाहते हो तो वहाँ पे आपके पास 3 साल की एनएवी हिस्ट्री होनी चाहिए. अगर आप लिक्विडिटी, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट या फिर शॉर्ट टर्म इनकम या फिर क्रेडिट ओरिएंटेड एंड इंडेक्स फंड एंड 5 ईयर्स फॉर इन सब के लिए अगर रखना चाहते हो तो 1 ईयर की आपको एनएवी चाहिए. और वहीं 5 ईयर्स फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन एक्सेस ऑफ कैटेगरी कट ऑफ लिमिट्स एंड कंप्लीट पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर. यानी कुछ के लिए आपको 3 साल, कुछ के लिए आपके 1 साल की जो है हिस्ट्री, और कुछ रैंकिंग्स के लिए आपको 5 साल की हिस्ट्री चाहिए. फॉलोइंग आर द 3 बेसिक कैटेगरी. अब यहाँ 3 बेसिक कैटेगरी है जिन पे यहाँ पे जो है ये लोग एक तरीके से रैंकिंग करते हैं. इक्विटी फंड्स, जहाँ पे जो है सारे के सारे फंड्स आपके इक्विटी में डाले जाते हैं. म्यूचुअल फंड इज़ व्हाट? म्यूचुअल फंड इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन योर शेयर मार्केट, आप कह सकते हो. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेप्ट आप बोल सकते हो. तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक्चुअली में क्या होता है, अगर आपने अभी तक हमारी म्यूचुअल फंड की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग बहुत छोटे छोटे आम इंसान हैं, पर हमारे भी सपने हैं कि हम जो है बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें. तो वहीं पे क्या होता है कि जहां पे हम बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वहीं कंपनीज को भी पता है कि यार हमें थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, हमें जो है पैसा चाहिए, बड़ा लार्ज अमाउंट चाहिए. और कोई एक पर्सन हमें ये नहीं दे सकता, किसी में इतना जो है एक तरीके से कैपेबिलिटी नहीं है, मार्केट में इतने सारे लोग नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है जो हमारी एक ही बंदा आकर के सारी मनोकामनाएं पूरी करा दे. तो इसीलिए क्या करते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से थोड़ा थोड़ा पैसा उठाया जाता है. म्यूचुअल फंड एजेंसीज जो होती है, म्यूचुअल फंड जो मैनेज करती है, AMCs आप कह सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, वो क्या करती है, इन्हीं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से जो इनके छोटे छोटे अमाउंट होती है वो लेती है. और वो जब छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है. एंड देन वो उस बड़े अमाउंट को आगे जाकर के इक्विटी और डेप्ट में लगा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. अगर मेरा प्रेफरेंस एज एन इन्वेस्टर ये है कि मैं सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाना चाहती हूँ अपने म्यूचुअल फंड का, तो मेरा पैसा इक्विटी में ही जाएगा. और वही इफ़ आई वॉन्ट अ रेगुलर इनकम या फिर मैं जो है डेप्ट में लगाना चाहती हूँ, तो मेरा वो पैसा डेप्ट फंड्स में ही लगाया जाएगा. तो इक्विटी फंड्स, डेप्ट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स, जहाँ पे दोनों को जो है ठीक तरीके से बैलेंस करके चला जाता है. तो 3 बेसिक कैटेगरी आपकी इक्विटी, डेप्ट एंड हाइब्रिड फंड्स होती हैं. द रिलेटिवली रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स. जो रैंकिंग होती है वो इन सब बेसिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग की जाती है. पहला सुपीरियर रिटर्न स्कोर, कि उसका रिटर्न कैसा है, रिटर्न को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन होता है. इट इज़ रिलेटिवली मेजर ऑफ स्कीम्स रिटर्न एंड रिस्क विद 3 पीयर ग्रुप्स. ठीक, देयर पीयर ग्रुप्स यानी उस ग्रुप्स में जो है जितने भी उनके रिलेटिवली आपके कह सकते हो कि उनके रिटर्न कैसे आए हैं, रिस्क कैसे आए हैं उस ग्रुप में, किस कंपनी का ज़्यादा रिटर्न है, किसका कम है, तो उसको देखा जाता है डेप्ट एंड हाइब्रिड कैटेगरी को लेकर के. नेक्स्ट इज मीन रिटर्न एंड वोलाटिलिटी. मीन रिटर्न एंड वोलाटिलिटी इज़ कंसीडर ओनली फॉर इक्विटी फंड्स. अब ये जो है सिर्फ इक्विटी फंड्स को देख करके लिया जाता है मीन रिटर्न को. मीन रिटर्न इज़ एवरेज ऑफ डेली रिटर्न्स. डेली आपको कितना रिटर्न मिल रहा है उस फंड में, उसका एवरेज निकाला जाता है मीन रिटर्न में. बेस्ड ऑन स्कीम एंड एनालिसिस फॉर पीरियड अंडर कंसिडरेशन, वाइल वोलाटिलिटी इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस रिटर्न. और वहीं पर जो वोलाटिलिटी है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है इस रिटर्न की. लिक्विडिटी एनालिसिस क्या है, लिक्विडिटी एनालिसिस इज इट मेजर्स द कन्वीनियंस विद विच स्कीम कैन बी लिक्विडेटेड. लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जिसको आप जल्दी से बेच करके कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको मार्केट में आप इजीली जो है सेल ऑफ कर सकते हो. सो लिक्विडिटी एनालिसिस यानी कि जो आपने फंड्स जहाँ पे लगाया है उसको आपको कितना टाइम लगेगा कैश जो है कैश में कन्वर्ट करने में या बैंक में कन्वर्ट करने में. सो वो है लिक्विडिटी एनालिसिस. जिसकी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उसको हम, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको लॉन्ग टर्म पैसा नहीं चाहिए, उसने सोच रखा है कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मैंने जो है मेरे पास अपना अलग पैसा पड़ा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसमें से निकालूंगा, पर मुझे इन फंड से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो चाहेगा कि अगर लिक्विडिटी कम भी है ना तो भी चलेगा. लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पैसे की जो है ज़रूरत पड़ सकती है और उसके पास और कोई चांस नहीं होगा, उसको यहीं फंड की तरफ नज़र घुमा करके देखना पड़ेगा कि भाई आजा, और वो कहेगा मैं नहीं नहीं भाई मत टच कर मेरे को, मैं अच्छा खासा जो है रिटर्न दे दूंगा. तो इसीलिए लिक्विडिटी उसको चाहिए होगी ज़्यादा. तो कई इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि उनको कम लिक्विडिटी चाहिए या ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए. तो लिक्विडिटी एनालिसिस किया जाता है, उसके मेजर्स पे भी जो है उनको रैंकिंग दी जाती है. द स्कोर इज जनरली टेकन फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, द लोअर द स्कोर द बेटर इट इज़. ठीक है, पास्ट
3 महीने के यहाँ पे जो है देखा जाता है स्कोर क्या रहा है, और कम स्कोर होगा वो बेटर होगा, कि कम लिक्विडिट कम स्कोर आपका रहे तो उसमें आप बेटर हो। एसेट क्वालिटी, इट मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय द इश्यूअर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी, यानी जो डेब्ट सिक्योरिटी का इश्यूअर है उसके डिफॉल्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। एक्सपोजर टू सेंसिटिव सेक्टर, द पैरामीटर कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ सेंसिटिव सेक्टर और इंडस्ट्री ऑन द डेब्ट रीपेमेंट एबिलिटी ऑफ कंपनीज ओवर अ 3 to 4 years टाइम पीरियड। अब ये क्या करता है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव एंड आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जो है इफेक्ट करता है या कैप्चर करता है, जहाँ पे क्या देखा जाता है कि 3 से 4 साल जो आने वाले हैं उसमें ये कितना रीपेमेंट किसकी एबिलिटी है अपने डेब्ट्स को लेकर के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस, इट मेजर द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन बाय द मैनेजर, कि अगर मैनेजर ने इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करा है तो उसको रिस्क कितना होगा, उसका रिस्क कितना बन जाएगा। तो रिस्क द स्कीम शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड टू मच इन अ पर्टिकुलर कंपनी ऑफ इंडस्ट्री, कि एक ही कंपनी में सारा पैसा ना डल रहा हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो एक लाइन बोली जाती है, कोट बोला जाता है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि अपने जो है सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो है एक ही जगह पर मत करो, कि अगर एक कंपनी डूब गई, एक इंडस्ट्री डूब गई, तो ऐसा ना हो तुम सब पूरा मतलब ठंडन गोपाल हो जाओ, बिल्कुल ही खाली हो जाओ। तो कुछ अपना इन्वेस्टमेंट जो है डाइवर्सिफाई करो, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपने लेट सपोज कर दिया मोटर व्हीकल के एरिया में, कुछ कर दिया आपने सीमेंट के सीमेंट वाली कंपनीज में, कुछ आपने कर दिया अलग कंपनी में ग्रीन एनर्जी की कंपनी में। तो ऐसा क्या होगा कि अगर कल को कोई सेक्टर धड़ाम से गिरता भी है, जैसे कि आपका मार्केट अगर क्रैश हुआ, अगर वहां पे सीमेंट की कंपनी लेट सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ इश्यूज हो गए, तो वहां पे सीमेंट के जो स्टॉक है अगर ये नीचे आ गए, तो एटलीस्ट बाकी के जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो आपको बचा करके रखेंगे, बिल्कुल ही आपको जो है ऐसा नहीं कर देंगे कि भाई जाओ गुरुद्वारे चलते हैं, आप ये वाला सिचुएशन नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह रखें, और जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड एजेंसी को इसीलिए दे रहे हो कि वो आपको अच्छा रिटर्न दे, तो उनको भी देखना चाहिए कि वो सारा पैसा एक ही जगह ना ले जाए। तो इसीलिए पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस होता है कि कहीं ये जो है सारे एक ही में तो नहीं लगा रहे, कहीं इनका जो है इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह बांट देना। सो लेट्स दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।